हेलो गाइस, सुनीता सुला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ साबुदाना की बड़े, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, इसे मैंने मैश कर लिया है। और ये मैंने एक कटोरी साबुदाना लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए, तो इसमें हम इसमें मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून हम जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून हम तिल लेंगे, रोस्टेड पीनट लेंगे क्रश किए हुए, इधर नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। ये मैंने 4 ग्रीन चिली लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है, ये हम ले लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हाथों में इस तरह से हम पानी लगाएंगे और हम बड़े बनाएंगे। तो हमने इस तरह से पेड़ा ले करके बड़े बनाना है। तो इस तरह से मैं सभी बड़े बना लूँगी। तो देखिए, हमने सभी बड़े बना लिए हैं। अभी इन्हें हम फ्राई कर, गर्म हो गए हैं हमारे, मीडियम फ्लेम में ही हम बड़े को फ्राई करेंगे। बड़ों को हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी हम अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे सभी बड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैं सभी बड़े बना लूंगी। लीजिए, हमारे साबुदाना बड़े बनके तैयार हैं। साथ में दही का रायता है और धनिया पुदीने की चटनी। तो आप लोग भी नवरात्रि में बना करके और एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि। लीजिए गाइस, बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारे साबुदाना की बड़े। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।